हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स और आप दोनों की करंट एनर्जीज। ये क्विक रीडिंग होगी। ये डेक से मैं आपका देखूंगी और ये डेक से आपके पार्टनर का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आपके पास आए। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी लो साउंड हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, हर महादेव, शिव शंकर, प्लीज़ बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स क्या है उनके पास, क्या है प्लीज़ बताइए। दो और कार्ड्स दीजिए प्लीज। एक और बॉटम, ठीक है। ये हो गई आपकी। आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर्स को। प्लीज क्लेंस दिस टैग। मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए प्लीज बताइए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स क्या है। क्विक करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स, पांच पांच दीजिए प्लीज। बहुत ईगो में बैठे हैं, निकलना नहीं चाहते। बोला ना, ईगो है, गुस्सा है। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल, एक और कार्ड प्लीज प्लीज। ओ, दो कार्ड दे दिया, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द डेक, आपके पार्टनर ने ज्यादा कार्ड ले लिए, ठीक है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, या उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स, अगर आपको ब्लॉक किया है या आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है तो वो इनसिक्योर हो रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या है। टावर, माय माय, हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एम्प्रेस, ओके, एस ऑफ कप्स एंड ये वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सोल जर्नी में हैं। आप जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं वो आपका राइट पार्टनर है, या राइट पार्टनर मतलब फीमेल मेल जिसके लिए भी देख रहे हैं, दैट इज योर राइट पार्टनर। एंड आप उनको बहुत एडमायर करते हो, उनको बहुत अनकंडीशनल लव देते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है, छोटा सा भी। अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया तो बहुत जल्द मैसेज आ सकता है। आप वेट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, तो वो लेंगे क्योंकि वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं आपके बिना। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। एंड आपको अभी रिसेंटली बहुत बड़ा धक्का मिला, या तो काम में या तो फैमिली लाइफ में इतना बड़ा धक्का मिला है जिसकी वजह से आप सब कुछ तहस महस हो गया और आप समेट नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको सिर्फ यही कह रही कि वो है, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप बस आगे बढ़ो। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप प्यार देने के लिए रेडी हो और जैसे भी हो, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो भगवान का देन है प्यार देना, तो आप रेडी हो देने के लिए।
एनर्जीज काफी अच्छी है, थोड़ी डिसबैलेंस है कुछ लोगों के लिए जो बैलेंस नहीं हुए हैं। बट ये याद रखिएगा कि अब अगर अभी अंधेरा है तो कल सवेरा होगा, और अगर अभी सवेरा है तो कल अंधेरा होगा, तो दोनों में आपको बैलेंस रहना है, ना ज्यादा खुश रहना है ना ज्यादा दुखी रहना है, ठीक है। और अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है। 1 मिनट, तो आप और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, ठीक है। सो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप अपने पार्टनर की भी एनर्जी देख सकते हैं। ईगो, मैंने कहा ना ईगो में बैठे हैं, कार्ड देखने के पहले ही समझ गई थी। वाओ ब्यूटिफुल। ओके, दिख रहा है अभी। ओके, सो सबसे पहली चीज, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको लगता है कि आपसे ज्यादा, मतलब आप जितना उनसे प्यार करते हो, आपने जितना उनको दिया है उतना इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया। वो आपसे बेइंतहा, वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, वो आपको खुश रखना चाहते हैं। बट कुछ चीजें आ रही है उनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे काम हो गया, तो वो अभी फिलहाल उन्होंने उन्हें अपना पूरा फोकस काम में दिया है, कैसे भी करके पैसे कमाओ, ध्यान हटाओ। वो एट टाइम्स बहुत रूड भी होंगे आपके साथ, बट वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो डिसबैलेंस होते हैं, उनको आता नहीं है कि आपका प्यार कैसे समेटे। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है ना तो वो खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका काम, कोई और पार्टनर, फैमिली, कुछ भी, वो खुश नहीं है। वो वेट कर रहे हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ क्यों वेट कर रहे हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं, थ्री ऑफ वांड्स, क्या वेट क्यों कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके दिमाग की प्लीज बताएं। वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन का, उनको एक्शन लेना है। वो अगर आप उन अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया ना तो वो आपको चुप चुप के स्पाई भी करते हैं। जो भी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को साइड में रख के आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। प्लीज अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जीज भेजिए, जब भी आप प्रे करो गॉड से अपने पार्टनर के लिए भी प्रे कीजिए, एंड जस्ट पॉजिटिव सोचिए। आना नहीं आना वो इनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे अगर आना होगा तो, अगर नहीं भी आना होगा तो भी वो आपको संभाल लेंगे, ठीक है। बस पॉजिटिव रहिए। चलिए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया आज का तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन क्या क्या अच्छा लगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। आप सब लोग खुश रहे, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों की विशेस पूरी हो। थैंक यू।